दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पत्र को दिल्ली की जनता तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह दिल्ली में अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में सीलमपुर विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल के पत्र को जनता तक पहुंचाने के लिए पदयात्रा निकाली गई, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने हिस्सा लिया। इस दौरान इमरान हुसैन ने सबसे कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने गलत ढंग से अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अरविंद केजरीवाल को पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता का उन्हें प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए ही काम किए हैं। इमरान हुसैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही दिल्ली के रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेतागणों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ने साजिश के तहत हमारे सारे ही नेताओं को एक एक करके जेल भेजा, और यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में भेजा, ताकि बीजेपी की साजिश के तहत जेल में भेजा बीजेपी ने, ताकि दिल्ली के सारे कामों को रुकवा दिया जाए। जो दिल्ली के लोगों को सब्सिडी बिजली में मिलती है, 20,000 लीटर पानी में मिलती है, जो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का काम दिल्ली में चल रहा है उसको रोकने के लिए, महिलाओं को, हमारी महिलाओं को जो 200 जो बसों में यात्रा फ्री मिल रही है, या सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, या जो तरक्कियाती काम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। और वो लोग चाहते थे हर दम तक कि अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल भेजा, कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को बताया कि जेल से सरकार कैसे चलाई जाती है और साजिशों को नाकाम कैसे किया जाता है। और जब जेल से बाहर वो आए तो उनमें बड़ी बेचैनी थी, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने कभी कुछ नहीं कमाया, कोई बेईमानी नहीं करी, कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अगर कमाई है तो अपनी आवाम की मोहब्बत, सच्चाई और ईमानदारी, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी वालों ने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए, झूठे इल्ज़ाम लगाए, कोर्ट को कुछ नहीं मिला, कोर्ट ने हमारे एक एक करके सारे नेताओं को ही जमानत दे दी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, कुछ नहीं मिला आज तक कोर्ट को। लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि ये साजिशन केस है और केस कोर्ट में 10 साल चले, 5 साल चले, 20 साल चले, तो कहने लगे मुझसे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि एक ईमानदार आदमी के लिए उसकी इज्जत से और सच्चाई और ईमानदारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उन्होंने आके इस्तीफा, तुरंत इस्तीफा दिया बाहर आके, और आतिशी जी को, ताकि दिल्ली के काम ना रुकें, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उनके आने के बाद आप देखो कितनी रफ्तार से दिल्ली के काम चालू भी हो गए। और उन्होंने कहा, अगर दिल्ली की आवाम को लगता है कि मैं चोर हूँ, मुझे वोट ना दे, और अगर दिल्ली की आवाम को लगता है कि उनका बेटा, उनका भाई ईमानदार है, उनका मुख्यमंत्री ईमानदार है, तो इलेक्शन आ रहे हैं, दिल्ली की आवाम अपना फैसला सुनाएगी और चौथी बार उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। अरविंद केजरीवाल, देखिए, आप सब लोग जानते हैं, जब सर्दी पड़ती है और जब ये पराली का टाइम आता है, जब खेतों में पराली जलाई जाती है, तो उस वक्त ऑटोमेटिक, क्योंकि क्लाइमेट बहुत चेंज है, जब ये पराली जलती है और हवा की कोई बाउंड्री होती नहीं है, हवा की कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो उसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट तो सारे काम कर रही है, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, सब पे काम चल रहा है। दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ इस साल भी 1 करोड़ पौधे लगाए गए। और जब से अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट आई है, जब से 2016 से और 2024 तक का मैं आपको आंकड़ा बताऊं, तो दिल्ली के अंदर पहले जो ग्रीन कवर था वो 19% था, और आज बढ़कर वो 24% है। लगभग दिल्ली के अंदर जितना ग्रीन कवर बढ़ा है वो उतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बढ़ा। लेकिन हवा की कोई बाउंड्री होती नहीं है, यूपी की भी दिल्ली आ सकती है, हरियाणा की भी दिल्ली आती है, और जब पराली जलती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। स्कीम दोबारा चालू हो गई, जो बुजुर्ग दिल्ली के
60 साल वाले इंतजार कर रहे थे पिछले 6 सालों से पेंशन का, उनकी नई पेंशन 60 साल खोल दी गई, अस्पतालों में दवाएं आने लगी, टेस्ट दोबारा होने लगे, फरिश्ता स्कीम के तहत एक्सीडेंट का इलाज होने लगा। वो जितनी स्कीमों पर उन्होंने रोक लगाई थी अरविंद जी ने आने के बाद उन तमाम को चालू करा दिया। और अरविंद है तो मुमकिन है, जब तक अरविंद जी है किसी माई के लाल की औकात नहीं कि किसी काम को दिल्ली वासी के रोक देगा। देखिए सही बात यह है कि जनता में रोष है इस बात का, जनता इंतजार कर रही है किस दिन चुनाव आएगा, अपने बेटे को अपने भाई को बेगुनाह साबित करेंगे और बताएंगे भाजपा की सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट को कि पहले तो हमने 70 में से 67 दी थी, फिर 70 में से 62 दी और इस बार वोट दे करके 70 में 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दे करके उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211 32 9205 9211 47 8312 9910 41 8312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 850-697-3234।